हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृताज कुक बुक। मैं हूं अमृता और आज हम बनाएंगे चिकन कीमा और वो भी एकदम ढाबा स्टाइल। बहुत ही डिलीशियस और जूसी गरम मसालों के मज़ेदार कॉम्बिनेशन के साथ ये चिकन कीमा आपको ढाबे की याद दिला देगा और वो भी एकदम सिंपल रेसिपी और ईजी स्टेप्स में। तो आइए बनाते हैं आज की रेसिपी। एक गरम पैन में हम लेंगे एक टेबलस्पून रिफाइंड तेल और ऐड करेंगे एक टेबलस्पून बटर। गरम होते ही इसमें डालेंगे हम हाफ टी स्पून जीरा, एक तेज पत्ता, दो छोटी हरी इलायची और पांच लौंग। इन्हें हल्का सा सेक लगा लें और अब डालें एकदम बारीक कटे हुए दो मीडियम साइज के प्याज। हल्का सा भून के इसमें डालें दो टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज को हल्का लाइट ब्राउन होने तक इसे थोड़ा सा भून लें। फिर इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई कैप्सिकम और स्वाद अनुसार हरी मिर्च। बस इसे एक मिनट भूनकर इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून जीरा पाउडर और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टीस्पून गरम मसाला। सूखे मसालों को एक मिनट भून लें मीडियम फ्लेम पर और अब इसमें ऐड करेंगे हम चार मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी। टमाटर को मिक्सी में पीस कर प्यूरी बना लें और कुछ दो से तीन मिनट पका लें। देखिए बहुत अच्छे से पक गए हैं टमाटर। अब इसमें ऐड करेंगे एक टेबलस्पून बटर और थोड़ा सा हरा धनिया और अब हम इसमें ऐड करेंगे 400 ग्राम चिकन कीमा। ये चिकन कीमा मैंने घर पर ही चिकन के बोनलेस पीसों को मिक्सर में हल्का सा बिना पानी के ग्राइंड कर लिया है कुछ सेकंड्स के लिए। अच्छे से इसे मिक्स करके अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर कम से कम 15 से 20 मिनट पकाएंगे। 20 मिनट बाद कुछ इस तरह दिखेगा। इसका पानी हाई हीट करके सुखा लें, देखिए कुछ इस तरह। और फिर हम ऐड करेंगे इसमें दो टेबलस्पून फ्रेश मलाई और आधा कप पानी या फिर आप आधा कप दूध भी ऐड कर सकते हैं। और आखिरी में एक टीस्पून क्रश्ड कसूरी मेथी और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। बस हमारा लाजवाब ढाबा स्टाइल चिकन कीमा रेडी है। आप इसे तंदूरी रोटी या फिर बटर नान के साथ सर्व कर सकते हैं। एंजॉय करें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।